डभोई रेलवे स्टेशन पर दो दिनों के लिए जारी किए गए वैसे स्टेशन महोत्सव पर आज शाला के विद्यार्थियों ने मुलाकात ली थी। फिलहाल वडोदरा डिवीजन के डभोई और प्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव को मनाया जा रहा है। ऐसे में दो दिवसीय जारी किए गए वैसे स्टेशन महोत्सव के भाग रूप आज स्टेशन महोत्सव की शाला के विद्यार्थियों ने मुलाकात ली थी। महदेविया प्राथमिक तथा कुमार और हाईस्कूल के अन्य शाला के विद्यार्थियों ने डभोई रेलवे स्टेशन पर आगमन करते हुए डभोई रेलवे स्टेशन के इतिहास के बारे में जागरूकता के साथ ज्ञान भी प्राप्त किया था। जहां वडोदरा डिवीजन के डभोई और प्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर दो दिवस से जारी किए गए वैसे स्टेशन महोत्सव के भाग रूप शाला के विद्यार्थियों के साथ कई नागरिकों ने इसका लाभ लिया था। भारतीय रेल स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम मना रहा है पूरे भारतीय रेल में, हर मंडल में कार्यक्रम हो रहा है और एक महीने में दो स्टेशन पे महोत्सव मनाना है। तो बड़ौदा मंडल, प्रतापनगर और डभोई स्टेशन, दो हमने स्टेशन चूज़ किए हैं इस महीने, और 18-19 को स्टेशन महोत्सव है। और इसका पर्पज़ ये है कि आम नागरिकों को, रेल यूज़र्स को, बच्चों को हमारी जो रेलवे की गौरवशाली धरोहर है, हेरिटेज है, हिस्ट्री है, उससे अवगत कराना। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे मियागाम, यहाँ पे जो हम डभोई पे इस समय स्टेशन पे हैं, तो डभोई स्टेशन का इतिहास जाता है 1861 तक। तो 1861-62 में पहली नैरो गेज लाइन बनी थी मियागाम से डभोई, जो यहाँ के महाराजा थे कायकवाड़ साहब, तो उन्होंने फंडिंग करके पहला प्रिंसली स्टेट का उन्होंने नैरो गेज लाइन बनाई थी। और वो रेल लाइन 13 पाउंड की थी, बैलों से चलती थी। तो वो सारा इतिहास यहाँ पे दिखाया गया है खंडेराव गायकवाड़ साहब के समय से लेके अभी तक, जब हम इलेक्ट्रिक इंजन पे कैसे हम मूव किए हैं इसके ऊपर। इसी तरह प्रतापनगर स्टेशन पे भी ये स्टेशन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका इतिहास भी बहुत पुराना है, 1880 का इतिहास है। तो यही उसका ऑब्जेक्टिव है। आप सारे लोग आमंत्रित हैं इसमें, आइए, अपने साथियों को, अपने जानने वालों को बताइए यहाँ पे आएँ, और रेलवे के गौरवपूर्ण इतिहास, इस शहर के गौरवपूर्ण इतिहास से सारे सिटीजन्स अच्छी तरह से रूबरू हो जाएं। धन्यवाद।